मीटर की ऊंचाई पर स्थित वाण गांव की सुंदरता जितनी अलौकिक है उतना ही इसका धार्मिक महत्व है। नंदा देवी लोकजात और राजजात में अंतिम आबादी का क्षेत्र का गांव है। यहीं से आगे उच्च हिमालयी क्षेत्र में लोकजात और नंदा देवी राजजात शुरू होती है। वाण गांव लाटू देवता के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जानते हैं वाण गांव के बारे में और भी बहुत कुछ, क्या है इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाण गांव से माँ भगवती बेटी से बहू के रूप में पूजनीय होती है। यहीं से भगवान शिव के निवास कैलाश का ससुराल क्षेत्र भी शुरू हो जाता है। वाण गांव में स्थित है लाटू देवता का प्राचीन मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लाटू देवता को नंदा देवी का धर्म भाई कहा जाता है। वाण में जब नंदा देवी की डोली पहुंचती है तो उसके अभिनंदन के लिए लाटू देवता सबसे आगे रहता है, और यहां से जब डोली आगे के लिए प्रस्थान करती है तो लाटू देवता का निशान अंत तक माँ भगवती के साथ चलता है। वाण गांव में माँ नंदा देवी का धर्म भाई लाटू देवता प्राचीन सिद्ध पीठ मंदिर स्थित है। मान्यता है कि नंदा देवी लोकजात और राजजात के दौरान लाटू देवता अपनी बहन की अगुवाई करता है। घने देवदार के बीच स्थित लाटू देवता के प्राचीन मंदिर के पास ही वन विभाग और GMVN के विश्राम भवन भी स्थित है। समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वाण गांव में नंदा राजजात के दौरान 2013 में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। इस गांव का राजजात में पौराणिक और धार्मिक महत्व है। लगभग इस वर्ष 500 देव डोलियों के शामिल होने की संभावना है। 5 लाख लोगों के वाण से आगे इस हिमालय यात्रा में शामिल होने की संभावना है, और पूरा जो सहायक यात्रा मार्ग हैं उन सबको लगाकर 1 करोड़ तीर्थयात्रियों की इस पूरे यात्रा में शामिल होने की संभावना है। वाण गांव अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। देशी और विदेशी सैलानी जब रहस्यमय रूपकुंड की सैर पर निकलते हैं तो वाण गांव से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। चारों ओर से बांज बुरांस कैल और देवदार के झुरमुटों से घिरा है। सिद्धपीठ मां नंदा देवी मंदिर कुरूर से शुरू हुई लोक जात यात्रा अपने 11 पड़ावों को पार करने के बाद वाण पहुंच चुकी है। वाण में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, और थोड़ी देर में मां नंदा की डोली गरौली पातल के लिए यहां से रवाना होगी। इस दौरान श्रद्धा और आस्था का जो सैलाब उमड़ेगा वो देखने लायक है। नंदा राजजात में वाण गांव आते आते करीब 500 देव डोलियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी गांव में नंदा की 7 बहनें साथ मिलती हैं। वाण से जैसे ही आपके कदम आगे बढ़ेंगे तो कई मनमोहक दृश्यों को आपकी आंखें देखती रह जाएंगी। ऊंची पर्वत मालाओं के बीच बादलों की आहट, हरियाली से खिल रही जमीन, वादियां आपको कभी भी थकान का एहसास नहीं होने देंगी। वाण से कुछ ही दूरी पर रणकधार नामक स्थान है। रणकधार से पैदल मार्ग घने जंगलों से होकर गुजरता है। यात्रा बेदनी बुग्याल की ओर प्रस्थान करती है तो सैलानियों और श्रद्धालुओं में मन में वेदनी बुग्याल की आलोकिक छटा आपके मन में घूमने लगती है। हल्की चढ़ाई और जंगल में शांत वातावरण से होते हुए जंगल की ट्रैकिंग का असीम आनंद इस दौरान होता है। थकान कई जगह पर बढ़ जाती है, लेकिन हिमालय की जलवायु और ठंडी हवाएं थकान को जल्द ही गायब कर देती हैं। मां नंदा देवी के जयकारों के बीच श्रद्धालु फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये जंगल ट्रैकिंग के दौरान आपको हिमालय की जैव विविधता के दीदार होंगे। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद आप पहुंचेंगे गरौली पातल। माँ भगवती नंदा की डोली अपने 11वें पड़ाव से अब पहुंच चुकी है जंगल के बीच गरौली पातल। वहां से 7 किलोमीटर की दूरी जंगल से होकर गुजरती है, और इसके बाद अगला पड़ाव है बेदनी बुग्याल। गरौली पातल से मां नंदा की डोली आगे बढ़ती है और फिर पहुंचती है बेदनी बुग्याल। कल्पना कीजिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर मीलों तक फैले हरे मखमली घास के ढलाऊ मैदान पर टहल रहे हों।
आपके ठीक सामने हाथ बढ़ाकर बस छू लेने लायक बर्फ से ढकी हिमालय की नैनाभिराम चोटियां हों, आसमान हर पल रंग बदल रहा हो और आप जमीन पर जहां भी नजर दौड़ाएं वहां आपको सतरंगी जड़ी बूटियां और हरियाली का मंजर दिखाई दे, तो निसंदेह ये दुनिया आपको किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगेगी। नंदा लोकजात नंदा सप्तमी में वेदनी बुग्याल पहुंचती है और वहां से फिर बांक गांव की ओर प्रस्थान करती है। माँ भगवती की बेदनी बुग्याल में स्थित छोटे कुंड में स्नान और श्रृंगार कराया जाता है। बेदनी कुंड के आसपास कई देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं, जिसमें शंकर गौरी सहित कई मंदिर स्थित हैं। वेदनी बुग्याल में नंदा लोकजात और राजजात में नंदा सप्तमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जैसे जैसे ये तिथियां निर्धारित होती है छोटी राज छोटी जात की जो हमारे देवी कुरूर में रहती है बदान की, उसी में यहाँ तीन दिवसीय मेला करते हैं और तीन दिन पहले हम यहाँ आ जाते हैं, पहले उद्घाटन होगा, फिर दो दिन मेला चलाएंगे और लास्ट में जो जात हो जाती है उसका समापन कर दिए। आध्यात्म और प्रकृति का ऐसा संगम ही हर मौसम में आपको यहाँ नया रंग और नया नजारा देगा। हाँ, बहुत मन्नतें मांगते हैं लोग, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और जब हम दूसरे साल आते हैं तो जो उन्होंने मन्नतें मांगी है उसे वो चढ़ाव करते हैं। माँ नंदा देवी मंदिर कुरूर से शुरू हुई लोक जात यात्रा अपने 13वें पड़ाव बेदनी बुग्याल पहुंच चुकी है, जहां पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ माँ भगवती का पूजा अर्चना की गई। यहां से माँ भगवती की डोली बांग गांव के लिए रवाना होगी। हर वर्ष बधाण की नंदा देवी लोक जात नंदा सप्तमी के दिन यहां पहुंचती है और बेदनी बुग्याल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शिव और पार्वती इसी मार्ग से नंदा घूटी के लिए निकले थे। माँ भगवती ने इसी कुंड में स्नान भी किया था। बेदनी कुंड का अपने आप में एक अलग सा महत्व है। बेदनी कुंड में बोलते हैं कि बेदनी का जो विशेष महत्व है, यहाँ पर गौरी शंकर महाकाली महागौरी, इस यहाँ पर बोलते हैं कि बैरी का मर्दन किया गया है। बैरी देवताओं का जो बैरी था महिषासुर, उसका मर्दन भगवती ने कहते हैं कि इस स्थान पर किया। नंदा राजजात के दौरान राजा यश धवल के पूर्वजों को बेदनी कुंड में तर्पण दिया जाता है। जो हमारे राजा के परिवार के लोग जो कांसों में रह गए थे छोटे भाई, उनको दी गई और वो उसका निर्वहन आज तक कर रहे हैं। और ये यात्रा पूरे हिमालय की, पूरे उत्तराखंड की, इसमें दोनों कुमाऊं और गढ़वाल के राजा ही नहीं, यहाँ की प्रजा, यहाँ के देवी देवता भगवती को कैलाश तक भेजने का काम करते हैं, उसको उसमें भागीदारी करते हैं, यहाँ तक कि बद्रीनाथ भी स्वयं इस यात्रा में भाग लेते हैं। टेरी नरेश जो हमारे जब राजधानी थी, तो जब राजा के राज्य में काफ़ी मतलब अशांति भंग होने बैठ गया और राज्य में अनहोनी होने बैठ गई कि दूध में कीड़े पड़ गए, चावल में कीड़े पड़ गए, मतलब ओलावृष्टि हो गई, तो उस समय राजा से ये पहले पूछताछ कर दी जाती थी कि क्या हो गया मेरे राज्य में, तो उस समय इस देवी का दोष माना गया था राजा पे। और राजा उसके बाद जो कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण दक्षिण भारत से हमारा जो पूर्वज सुरमा भोज आया, उनसे पूजा करने के उपरांत इस देवी का उच्चारण करते हुए कि मैं तेरी यात्रा हर 12 वर्ष या उसके उपरांत जब भी मेरे पे वो होगा तो मैं पूजा के लिए होमकुंड में करूँगा। और हम नोटिस से जो राजा की छतोली और चोसिया खाड़ू वहाँ से राजजात में समझ आता है और इस देवी के पूजा के लिए नंद केसरी में मिलन होता है पहला पड़ाव पे, और नंद केसरी होते हुए जो है कि छतोली और चोसिया खाड़ू सारी एक साथ यात्रा करते हुए होमकुंड पहुँचते हैं। बेदनी बुग्याल से आगे नंदा राजजात के कई अति दुर्गम पड़ाव हैं, जिसमें पातर नचौड़िया, शिला समुद्र और हेमकुंड है। शिला समुद्र और हेमकुंड के बीच रहस्यमय रूप कुंड और नंदा राजजात के सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र जूरा गली स्थान स्थित है। हेमकुंड के बाद यात्रा चंदनिया घाट और फिर सुतोल पहुंचती है और उसके बाद घाट होते हुए वापस नौटी लौटती है। बेदनी बुग्याल के आगे की यात्रा अति दुर्गम होने के कारण श्रद्धालुओं और सैलानियों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होता है। नंदा राजजात के दौरान
मौसम विज्ञान और सैटेलाइट प्रौद्योगिकी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें श्रद्धालुओं को हर पल के मौसम की जानकारी मिलती रहे। राज्य सरकार द्वारा तैयारियों के लिए चमोली गढ़वाल के डीएम को गढ़वाल और अल्मोड़ा के डीएम को कुमाऊं क्षेत्र के लिए विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2013 में अगस्त सितंबर माह में हिमालयी महाकुंभ नंदा देवी राजजात का आयोजन 13 वर्षों के बाद होने जा रहा है। इसी यात्रा में चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के जिलाधिकारियों से यात्रा के मुख्य एवं सहायक यात्रा मार्गों, पड़ावों में ढांचागत व्यवस्थाओं के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस सचल महाकुंभ में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में विभिन्न पड़ावों में 1 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। नंदा देवी राजजात यात्रा 29 अगस्त से शुरू होगी और 17 सितंबर तक चलेगी। हर 12 वर्ष पे होती है और जब से उत्तराखंड राज्य बना है, यह पहली बार उत्तराखंड में इस यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसे हम हिमालय कुंभ के नाम से भी संबोधित करते हैं। 285 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होगी और राज्य सरकार ने पूरी तैयारी करी है, इसके सैटेलाइट इमेजेस बना दी हैं पूरी यात्रा की। मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो चमोली का जिलाधिकारी है उसको बना दिया गया है नोडल ऑफिसर, एक PCS वरिष्ठ अधिकारी को इसका जो है मेलाधिकारी बना दिया गया है। करीब 68 करोड़ रुपये मार्गों के लिए स्वीकृत हो गए हैं, 85 लाख रुपये पैदल मार्गों के लिए स्वीकृत हो गए हैं और पूरे मार्ग में कितने पड़ाव होंगे, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं पेयजल की, स्वास्थ्य की, इस सब का इंतजाम किया जा रहा है और मुझे आशा है कि अधिकारी, NGOs, सरकार सब मिला करके इस यात्रा को सफल बनाएंगे। हमारा उत्तराखंड जाना ही जाता है धार्मिक अपने महत्व तीर्थ स्थानों के लिए और ये तो एक 12 वर्ष की पे एक हमारे आयोजित होती है यात्रा। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग भी आएंगे और उत्तराखंड का जो है इसमें इस यात्रा के बाद हमारे राज्य का यश बढ़ेगा। सीमांत जनपद चमोली में हर साल छोटी छोटी लोक जात होती हैं जो बुग्यालों तक जाती हैं। इन्हीं छोटी लोक जातों में एक है माँ सिद्धपीठ कुरुड़ देवी से शुरू होने वाली छोटी जात।